जितना भी बेटर है बना है इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और ओके जब हम हाथ धो रहे हो तो वो कलर हमारे हाथों पे लग जाए अब देखना ये है कि वो सही है कि आ, मैं सही हूँ कि व्यूज रहीम अल्लाकम कैसे हैं आप सब उम्मीद सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला हम सब को अपने हिस्सा अमान में रखे आमिन सोम आमिन तो जनाब क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे कि ये साबुन है मेरे पास सोप जो ब्यूटी सोप जो हम आमतौर से घरों में इस्तेमाल करते हैं और वो छोटे छोटे जाते हैं बच जाते हैं तो वो जो है वो पहले तो मैं जो कमोड का फ्लैश टैंक होता था उसमें डाल दिया करती थी जो छोटा हुआ उसको उसमें डाल दिया तो इस, वो इस तरह यूटिलाइज हो जाता था फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रिसाइकिल करूं तो फिर मैंने उसको जमा करना शुरू कर दिए तो ये थोड़े दिन के यानी दो तीन महीनों के ये जमा हुए हुए साबुन थे और कुछ इसमें बड़े भी हैं जो यानी सही नहीं आए थे ऐसे थे कुछ और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सके या जो भी थे उसमें सब मैंने यहाँ पर वो लेके और ये मुझसे कट नहीं रहे थे मेरे हाथ से तो फिर मैंने इसको काटने के बजाय इसमें पानी डाल के इसको रख दिया और पानी मैंने गरम डाला है एक कप तो ये दो तीन घंटे इसको यानी सोक करने के बाद इसकी ये पोजीशन हो गई थी तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये अभी भी थोड़े से सख्त लग रहे थे तो मैंने कहा चलें इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं एक कप मैंने गर्म पानी का और डाला और इसको फिर मैंने ओवर रख दिया था इसको ताकि ये सुबह तक अच्छा सा आ, मेल्ट हो जाए नरम पड़ जाए सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको आ, मैंने इसको ब्लेंडर चलाकर इसको बिल्कुल ही आ, उस, उसमें कर लिया था एक पेस्ट बना लिया था इसका और फिर इसके बाद अब मैं इसको जो है वो करूँगी पकाऊँगी इसको और फिर उसके बाद इसको हम एक नए नए सोप की शक्ल दे, दे देंगे इसको और इसमें जो है Uh, यानी जितना मैंने इसको ये uh, जितना भी बेटर है बना है इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और एक में तो मैंने uh, डाला था एलोवेरा जेल और uh, विटामिन ई और क्या था एक और चीज़ डाली थी हाँ वो हैंड वॉश लेमन का हैंड वॉश था वो डाला था और फिर उसको मैंने यानी एक जो हिस्से में डाला था और दूसरा जो मैंने बनाया था उसमें मैंने हल्का सा फूड कलर डाला था विटामिन ई के तीन कैप्सूल तीन चार कैप्सूल डाल के यानी विटामिन ई का ऑयल डाल के रख दिया था हम कुछ भी इसमें डाल सकते हैं मेरे पास उस वक्त रोज़ पेटल नहीं थे वरना रोज़ पेटल होते तो वो भी मैं इसमें डालती और ख़ूबसूरत लगते तो कलर भी मैंने बहुत लाइट डाला था कि मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम हाथ धो रहे हो तो वो कलर हमारे हाथों पर लग जाए क्योंकि ज़ाहिर मैं भी ये पहली दफ़ा ही बना रही थी और अब मैं बना तो रही थी और वीडियो भी यानी मैंने पूरी बना ली लेकिन जो मेरी भांजी है ना वो बहुत यानी नाराज हुई नाराज होने से मराती यानी उसने बुरा माना कि खाला ये क्या वीडियो बनाई आपने क्योंकि अपलोड तो वही करती है ना मेरी वीडियो आ, मैं तो बस सब बना के वॉइस ओवर करके और एडिट वगैरह करके सब तो उसको दे देती हूँ तो अब वो कह रही थी देखेगा ये तो ये कोई वीडियो हुई वी, पुराने सामने को आपने ऐसे कर दिया ये तो उसने काफ़ी मुझे यानी बुरा माना उसने इस बात से कि भाई अच्छी वीडियो बनाए कुछ ये अच्छी वीडियो नहीं है बकाल उसके तो फिर अब वो कह रही थी इस पर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे अब अब देखना ये है कि वो सही है क्या मैं सही हूँ कि व्यूज़ मिलते हैं कि नहीं मिलते तो बस यहाँ पर जो है ये मैं अब तीसरी पीस की वो कह रही हूँ यानी जो मैंने तीन हिस्से बनाए थे तीसरे हिस्से को भी मैं इसमें हैंड वॉश डाल के और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया था तो इसको भी बना के रख रही हूँ और सबको मैं मोल्ड में जमा दूँगी और फिर ये देखें माशाल्लाह ऐसे बने हैं आ, इतने खूबसूरत लग रहे हैं पिंक वाले भी अच्छे लग रहे हैं और वाइट वाले भी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे मैं फिर आपको धो के भी अपने हाथ दिखा रही हूँ कि अच्छा खासा इसमें झाग भी बन रहा है सही बिल्कुल सोप बना है तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ये एक डी था जो मैंने मैंने सोचा कि चलें मैं कह रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ अगर ये सही लग रहा है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़